Welcome back to the Khelo India University Games 2023, and we welcome you again to the Rajiv Gandhi University Indoor Stadium. Let us proceed with today's weightlifting competition. Thank you, athletes, and good luck. You have 10 minutes for warm-up. सर्वप्रथम 49 किलो भार वर्ग में 59 किलो भार वर्ग की प्रतियोगी सुजाता राय भारतीय विद्यापीठ की यह प्रतियोगी अपने प्रथम प्रयास को पूर्ण करने के लिए यहां पर अग्रसर 65 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। आप सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं संजीव दत्ता आप सबका स्वागत करते हुए ये पहली लिफ्ट बहुत ही सहजता के साथ पूर्ण कर पाने में कामयाब हुई हैं 65 किलो भार उठाने में। अगली प्रतियोगी यहां पर अपने पहले प्रयास को पूर्ण करने के लिए अग्रसर हैं एमयू यूनिवर्सिटी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कर्नाटका की यह प्रतियोगी, लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने अपने लिए 70 किलो भार उठाने का पहला प्रयास, 70 किलो के लिए यहां पर अग्रसर। स्नेच प्रतिस्पर्धा यहां पर चलती हुई 59 किलो भार वर्ग में यह प्रतियोगिता चल रही है महिलाओं की, और चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं पहले प्रयास में 70 किलो भार उठाने की दूसरी प्रतियोगी हैं। इनसे पहले सुजाता ने 65 किलो भार उठाया था और यहां ये चुनौती है 70 किलो भार उठाने की, और बहुत ही सहजता के साथ 70 किलो भार उठा पाने में अपनी सफलताओं को दर्ज किया है। गुड लिफ्ट सुजाता राय यहां पर अपने दूसरे प्रयास के लिए अग्रसर है, लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने अपने लिए 70 किलो भार उठाने का, पहले प्रयास में 65 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई थी। बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने 65 किलो की लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक लेकर गई थी। अब दूसरे प्रयास में उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है 70 किलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट किया मगर बहुत ही जल्दबाजी करी और बार जो थी उनकी शोल्डर से पीछे की ओर गई और ये लिफ्ट अमान्य घोषित हो गई, यानी कि ये लिफ्ट उनकी विफल रही है, दूसरा प्रयास विफल हुआ 70 किलो के लिए जो उनका प्रयास था। पहला प्रयास 65 किलो के लिए सफलतापूर्वक पूर्ण किया था मगर दूसरे प्रयास 70 किलो में वह विफल हुई थी, उसको पूर्ण कर पाने में नाकामयाब रही थी, मगर तीसरे और अंतिम प्रयास में उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है 70 किलो। भारतीय विद्यापीठ पूना की यह छात्रा 70 किलो भार तीसरा प्रयास, अच्छा प्रयास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट किया और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने, नहीं यहां पर नो लिफ्ट हुआ है, एल्बो उनकी थोड़ी सी कंपन थी, कंपन के साथ साथ जो स्थिरता लानी चाहिए थी वह नहीं हुई। रीना के लिए ये पुकार की जा रही है, रीना जो कि अपने पहले प्रयास के लिए 72 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य है। रीना का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की यह छात्रा अपने प्रथम प्रयास के लिए अग्रसर, लक्ष्य निर्धारित किया है 72 किलो भार उठाने का। रीना ओपन नेशनल में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं मगर यहां पर सफल रही, पहला ही प्रयास उनका विफल हुआ, 70 किलो भार उठाने का जो उनका प्रयास था उसको वह पूर्ण कर पाने में रीना ने 72 किलो प्रयास में विफलताएं हासिल हुई हैं उनको। साक्षी शिवाजी यूनिवर्सिटी की छात्रा 72 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य, प्रथम प्रयास ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स की वह कांस्य पदक विजेता हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, मगर नहीं यहां पर चूक हुई और वह चूक उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और वो जल्दबाजी का शिकार हुई। रीना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की छात्रा अपने दूसरे प्रयास को पूर्ण करने के लिए अग्रसर है, 72 किलो का लक्ष्य जो कि पहले प्रयास में विफल हुई थी, दूसरे प्रयास में क्या इन सफलताओं को पूर्ण कर पाने में कामयाब होती हैं, इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करती हैं, उनकी तकनीकी योग्यताएं किस तरीके से अपनी तकनीकी योग्यताओं को प्रदर्शित करती हैं यह देखना अभी बाकी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करेंगी, पूरी तरह से ग्रिप को बनाया, एकाग्रता बहुत जरूरी और पूरी एकाग्रता यहां पर बरतती हुई और ये प्रयास उनका थोड़ा सा लड़खड़ाई मगर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई, इसलिए ये लिफ्ट मान्य घोषित नहीं होगी। स्टैंडिंग पोजीशन धरातल पर वेट को रख दिया, स्टैंडिंग पोजीशन में आना बहुत जरूरी है। राजेश जी क्या कहते हैं उसको, स्टॉपर कहते हैं, क्या कहते हैं,
रेस्ट्रेनिंग बार का होना बहुत आवश्यक है यहाँ पर। मगर अब अगले प्रतियोगी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिवाजी यूनिवर्सिटी की यह छात्रा साक्षी 72 किलो भार उठाने की चुनौती, दूसरा प्रयास बहुत ही सहजता के साथ इस प्रयास को पूर्ण कर पाने में कामयाब हुई हैं। तीनों रेफरीज द्वारा इस लिफ्ट को मान्य घोषित किया गया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की रीना, पंजाब की छात्रा, देखना होगा तीसरा और अंतिम प्रयास 72 किलो के लिए। रीना, काफी आशाएं हैं रीना से, ओपन नेशनल में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, स्टेट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में भी चौथा स्थान रहा था, मगर नहीं, असफल रही यहां पर अपने इस प्रयास को, तीसरा और अंतिम प्रयास उनका विफल हुआ। अगली प्रतियोगी लिजा, लिजा जूनियर नेशनल की कांस्य पदक विजेता रही हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के रजत पदक विजेता रही हैं, देखना होगा क्या यह अपनी क्षमताओं को पहले प्रयास में पूर्ण कर पाने में कामयाब होती हैं। 73 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। लिजा काफी अनुभवी जूनियर चैंपियनशिप की पदक विजेता, क्या यहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पदक तालिका में अपना नाम सुनिश्चित कर पाएंगी। चुनौतियां बहुत हैं क्योंकि इस भार वर्ग में अगर हम बात करें तो ऊषा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी है, यहां पर तालियों की गड़गड़ाहट सभी दर्शकों की, 73 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं, एक अच्छा प्रयास था, सफलताओं में परिवर्तित किया अपना पहला ही प्रयास 73 किलो के लिए लीजा ने। अगली प्रतियोगी यहां पर मंगलुरु यूनिवर्सिटी की, लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने अपने लिए 73 किलो भार उठाने का, दूसरा प्रयास है। तिहत्तर किलो भार उठा पाने में नाकामयाब रही, यहां पर 70 किलो उनका बेस्ट था जो अभी पहले प्रयास में था, 73 किलो विफल हुआ दूसरा प्रयास। अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए यहां पर अग्रसर, 73 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य, तीसरा प्रयास है उनका, देखना होगा यहां पर इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करती हैं। पहले प्रयास में 70 किलो, दूसरे प्रयास में 73 किलो को उठा पाने में नाकामयाब हुई थी, मगर तीसरे और अंतिम प्रयास में क्या इसको सफलताओं में परिवर्तित करती हैं? जी हां, सफलताओं में परिवर्तित कर दिया, यानी कि 73 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई है अपने तीसरे प्रयास में, तीसरे और अंतिम प्रयास में स्नैचमैन का सर्वश्रेष्ठ दर्ज किया जाएगा 73 किलो। और अगली प्रतियोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी कमेंटेटर, इंग्लिश कमेंटेटर यग। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वी हैव इफम कौसर फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। Her first attempt in this round of snatch, she had a target of 74 kg in which she was successful. Her first attempt will be of 74 kg in this session of snatch in this category, women's category of 59 kg. It will be interesting to see if she can succeed in her endeavors. We have Baloy Alam from Gurkashi University. And this was a good leap as referred by referees. We have on the stage Lisa Kamsa from Yogi Vemana University, going for her second attempt in this session of snatch in women's 59 kg category, targeting for 75 kg of lift, grip on the bar, and
two referees referred to as a good lift. Her previous attempt was of 72 kg, in which she was successful. Sakshi Mahesh Ranmale trying for her snatch with the target of 75 kg achieved. She completes her three attempts. Usha from Chandigarh University. And this was referred by referees as a good lift. Up next we have Baloy Alam from Gurkashi University. Going for her second attempt in this session of snatch. Her target will be 77 kg in this women's 59 kg category. With her grip on the bar, she has got 30 seconds. And this was a successful endeavor. Going for her third and last attempt in this session of snatch in women's 59 kg category. Her target will be 77 kg. Lisa Kamsa from Yogi Bhavana University. In this session of snatch, her two previous attempts were successful. It will be quite intriguing to see whether her third attempt of targeting 77 kg lifting will be successful or not. And here she goes with two judges in her favor. It was a good lift. Her endeavors were successful. This will be her second attempt. Her target is set at 78 kg. Her previous attempt of 74 kg was a successful. FM Kosher from Lovely Professional University with her target of 78 kg. It will be interesting to see if she succeeds in her endeavor or not. And this was a good lift, as referred by the referees. Up next, we have our next lifter, Usha from Chandigarh University. Her first attempt was of 76 kg, in which she was successful. It's on the watch to see how successful she will be in her second attempt. With a target of 79 kg, she was given a sign of good lift by the referees. Baloy Alam from Gurkashi University will be chasing her target of 79 kg in this third and final attempt of this session of snatch in women's 59 kg category. Her previous two endeavors have been a successful one. With a grip, with her time going ahead, grip on the bar, and with all her force and might, she lifts up the weight and is given good lift by the referees. Biodiversity and cultural prosperity of Northeast India on stage. If I'm kosher
from LPU, Lovely Professional University. Going for her third and last attempt with a target of 80 kg lift. And this was referred by referees as a good lift. Successful in her endeavors in women's 59 kg category. With Usha being the last participant of this session, it will be an interesting event to see what the rankings, how the ranking goes. And with her firm grip on the bar, she's given a signal of good lift by all three referees. With this, we come to an end of the first session of our women's 59 kg category. The snatch is over and a new record is made. Welcome back to women's 59 kg category event of this weightlifting championship of Khelo India University Games 2023 fourth edition. In this session of clean and jerk of women's 59 kg category, our first contestant is Ifam Kosher from Lovely Professional University, Punjab. She will be targeting for 91 kg weightlifting this time. And with a clean, she made a jerk and it was declared a good lift by the referees. First attempt of clean and jerk session of this women's 59 kg category of weightlifting event under Khelo India University Games 2023 will be attempting for a weightlifting of 93 kg. It becomes interesting to see if she succeeds in her attempt or not. With a grip on the bar, her time starts and she gives a good clean. Resting the bar on her shoulders, she tries giving a jerk and it was declared to be a good lift by the referees. With the bar loaded at 95 kg, she will be targeting this achievement in her first attempt of clean and jerk session of this women's 59 kg category of weightlifting event. With a unsuccessful try to make it clean, this was declared to be a no lift by the referees. अपने दूसरे प्रयास को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर अगर सर लक्ष्य निर्धारित किया है 95 किलो क्लीन एंड जर्क की यह प्रतिस्पर्धा चलती हुई, पहले प्रयास में 95 किलो उठा पाने में नाकामयाब रही थी, 65 किलो इनका सर्वश्रेष्ठ रहा है स्नैच का, और देखना होगा यहाँ पर अब क्या क्लीन एंड जर्क के दूसरे प्रयास को पूर्ण कर पाती हैं। नहीं, जल्दबाजी की शिकार हुई, लिफ्ट करना चाहती थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को तो जनरेट किया मगर बार को अपने ही ऊपर ले गई और धरातल पर पटकने पर मजबूर हुए गई वेट को। अपने तीसरे और अंतिम प्रयास यानी कि आखिरी चुनौती है उनके सामने 95 किलो भार उठाने की, यद्यपि अगर इसमें भी विफल होती हैं तो इस प्रतियोगिता से भी बाहर हो जाएंगी। बहुत ज़रूरी है इस लिफ्ट को करार लिफ्ट करार करवाना, बहुत ज़रूरी उनके लिए, करो या मरो वाली परिस्थिति, बहुत ज़रूरी यदि प्रतियोगिता में बना रहना चाहती हैं तो इस लिफ्ट को पूर्ण करना होगा। और बिल्कुल नहीं, असफल हुई, बहुत ज़्यादा छटपटाहट और बार बिल्कुल पीछे की तरफ चली गई और ये इस प्रतियोगिता से भी बाहर हो गई हैं। गुरुकाशी यूनिवर्सिटी की छात्रा अपने पहले प्रयास के लिए यहाँ पर अग्रसर, बोलो
लक्ष्य निर्धारित किया है इन्होंने अपने लिए 96 किलो भार उठाने का क्लीन एंड जर्क में। 79 इनका सर्वश्रेष्ठ रहा था स्नैच में, देखना होगा यहां पर क्लीन एंड जर्क 96 किलो भार उठाने की चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करती है। अच्छी लिफ्ट, गुड लिफ्ट करार दिया गया, एक अच्छा प्रयास सफलताओं में परिवर्तित हुआ 96 किलो भार उठाकर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की छात्रा, 96 किलो लक्ष्य इन्होंने अपने लिए निर्धारित किया है। स्टेट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय यूथ चैंपियनशिप की भी प्रतिनिधित्व किया था वर्ष 2018 में, मगर यहां पर ये लिफ्ट उनकी नो लिफ्ट करार दी गई है रेफरीज द्वारा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करी। अपने दूसरे प्रयास को पूर्ण करने के लिए यहां पर अग्रसर, देखना होगा अपना दूसरा प्रयास यहां पर ओसिन किस तरीके से पूर्ण करती हैं। पहले प्रयास में 93 किलो सफलताओं में दर्ज करा पाने में कामयाब हुई हैं, अब लक्ष्य निर्धारित किया है अपने लिए 96 किलो भार उठाने की चुनौती, इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करती हैं। अभी दूसरे पायदान पर, तीसरी पायदान पर चल रही हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्नैच में ये छठी पायदान पर थी। क्या क्लीन एंड जर्क में अपना बेस्ट प्रस्तुत कर पाती हैं 96 किलो। प्रथम चरण पूरा किया, दूसरे चरण में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करी और उनकी कमर में थोड़ी सी झटका भी महसूस हुआ है उनको और ये लिफ्ट नो लिफ्ट करार दी गई है, अमान्य घोषित हुई है। 97 किलो भार उठाने की चुनौती, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में प्रतिनिधित्व कर चुकी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक विजेता रही थी और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की यह स्वर्ण पदक विजेता भी रही हैं, जो कि जैन पब्लिक स्कूल यूनिवर्सिटी में खेला गया था, वहां की यह स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो देखना होगा क्या वो स्वर्णिम सफलताएं इस चौथे संस्करण में पूर्ण कर पाती हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के। 97 किलो भार उठाने की चुनौती सहजता से पूर्ण करने में भी कामयाब हुई हैं, 97 किलो भार, बहुत ही बढ़िया, उत्कृष्ट खेल कौशल। फ्रॉम मैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका, गोइंग फॉर हर थर्ड एंड लास्ट अटेम्प्ट इन दिस सेशन ऑफ क्लीन एंड जर्क इन विमेन्स 59 केजी कैटेगरी ऑफ वेट लिफ्टिंग। हर प्रीवियस अटेम्प्ट एट 96 केजी वॉज अनसक्सेसफुल। It remains to see whether she gets through her endeavors in this final attempt of hers with a clean and with patience and her endeavors. She tries to make a jerk, but this was an unsuccessful one. A no lift from the side of referees. Usha, Chandigarh University ki chhatra. प्रबल दावेदार मानी जा रही है स्वर्ण पदक के लिए, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता, एशियन चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता। क्या स्वर्णिम सफलताएं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की रहेंगी, पहली पायदान पर चल रही हैं अभी तक। अगर बात करें स्नैच की, 82 था इनका बेस्ट और क्लीन एंड जर्क प्रारंभ ही इन्होंने 98 किलो से किया है और सफलता और सहजता के साथ उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए इसको पूर्ण करने में कामयाब हुई हैं उषा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। अगली लिफ्टर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए अग्रसर, पहले प्रयास में 91 किलो सफलताओं में पूर्ण करने में परिवर्तित किया था, 96 किलो उठा पाने में नाकामयाब रही थी अपने दूसरे प्रयास में, अब तीसरा और अंतिम प्रयास 98 किलो के लिए, देखना होगा इस 98 किलो की चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करती हैं। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, यूथ चैंपियनशिप की प्रतियोगी रही हैं, मगर 98 किलो भार उठा पाने में नाकामयाब रही। अप नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट लिफ्टर बालोयालम फ्रॉम गुरकाशी यूनिवर्सिटी। Her previous attempt in this session of clean and jerk was 96 kilo. In this second attempt of hers in this session, she strives to achieve a target of 100 kg. It remains interesting to see if she succeeds in her endeavor or not.
with a good attempted clean. Baloy Alam goes for a joke. And this is signaled by the referees as a good lift. With this, Baloy Alam with a second attempt in this session of clean and jerk. Her target will be 100 kg weight lifting. Sakshi from Shivaji University, Maharashtra. Her first attempt was at 97 kg, which was successful. Currently at the third position, she is trying for 100 kg in her second attempt, and it was a unsuccessful attempt with no lift. Up next, we have participant number 5, Liza Kamsa from Yogi Vemana University, who will be trying her first attempt in this session of clean and jerk women's category, women's 59 kg category. She is targeting for a 101 kg weight lift. With her grip on the bar, Liza Kamsa targeting 101 kg lift, and with a good clean, trying for her jerk, and this was given a good lift by all three referees. Usha, Chandigarh University ki chhatra, apne dusre prayas ko poorn karne ke liye yahan par agarsar hain. Pehle prayas mein 98 kilo bhar utha paane mein kamyab hui thi. 101 kilo ki chunauti unke samne. Prabal Davedar, Swarn Padak ke liye, Rashtramandal Championship ki Rajak Padak vijeta, Asian Championship ki Kasya Padak vijeta, नेशनल चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता, और इसी के साथ 101 किलो भार उठाने की चुनौती को बहुत ही सहजता और सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाने में कामयाब हुई हैं. पहली पायदान पर पहुंच गई हैं. अब अगर स्कोरबोर्ड की तरफ देखें तो नजर दौड़ाए तो बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट खेल कौशल. साक्षी अगली प्रतियोगी 101 किलो की चुनौती यहां पर पूर्ण करने के लिए अग्रसर है शिवाजी यूनिवर्सिटी की यह छात्रा. 101 किलो का लक्ष्य, तीसरा और अंतिम प्रयास इनका. देखना होगा इस प्रयास को किस तरीके से सफलताओं में परिवर्तित क्या कर पाएंगी. पहले प्रयास में 97 किलो, दूसरे प्रयास में 100 किलो विफल रहा, अब 101 किलो. पूरी तरह से एकाग्र होते हुए यहां पर बिल्कुल सही पूर्ण कर पाने में कामयाब हुई हैं. 101 किलो की लिफ्ट. गुरुकाशी यूनिवर्सिटी की छात्रा बालू यामाम. देखना होगा यहां पर 103 किलो का लक्ष्य इनके सामने, इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित करती है यह देखना अभी बाकी है. तीसरा और अंतिम प्रयास है इनका. पहले प्रयास में 96 किलो, दूसरे प्रयास में 100 किलो सफलता पूर्वक पूर्ण कर चुकी हैं, और तीसरे प्रयास में 103 किलो. स्नैच में तीसरे स्थान पर रही थी 79 उठाकर. अब देखना होगा क्या 103 किलो की चुनौती को पूर्ण करेंगी. पूरी तरह से एकाग्रता बनाई हुई, और नहीं, घुटने लग गए प्लेटफॉर्म पे, लड़खड़ा गई, बहुत ज्यादा पैर को खोला, संतुलन बिगड़ा. संतुलन बिगड़ने के साथ ही लिफ्ट उनकी खराब हुई. उषा 103 किलो भार उठाने की चुनौती, यह लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है उनके सामने जो उन्होंने अपने लिए निर्धारित किया है. 103 किलो की चुनौती उन्होंने स्वयं के लिए निर्धारित की है. देखना होगा इस चुनौती को बहुत ही सहजता से पूर्ण कर रही हैं लग रहा है, और पूरी तरह से संतुष्ट
इस लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक ले जा पाने में कामयाब हुई है। 103 किलो गुड लिफ्ट करार किया गया तीनों ही रेफरियों द्वारा, यानी कि पहली पायदान स्वर्ण पदक विजेता बन गई है। अब चुनौती लीजा उनको देना चाह रही है, 104 किलो दूसरा प्रयास है लीजा का, पहले प्रयास में 101 किलो की चुनौती को सफलताओं में परिवर्तित कर चुकी हैं। क्या 104 किलो की चुनौती को उठाएंगी? हालांकि तीसरे नंबर पर चल रही हैं वह क्लीन एंड जर्क में और चौथे नंबर पर थी स्नैच पर, मगर क्या यहां पर मेडल टैली में नाम अपना सुनिश्चित करेंगी? पूरा धैर्य एकाग्रता बनाई हुई, 104 किलो का लक्ष्य, प्रयास अच्छा है और उस प्रयास को सफलताओं में परिवर्तित करना खिलाड़ी की यही योग्यता सिद्ध होती है। नहीं, घुटने उनके प्लेटफॉर्म पर लगे। अब नेक्स्ट ऑन द स्टेज इज लीजा कामसा रिप्रेजेंटिंग योगी वेमन्ना यूनिवर्सिटी गोइंग फॉर हर थर्ड एंड फाइनल अटेम्प्ट इन दिस सेशन ऑफ क्लीन एंड जर्क in the category of women's 59 kg of weightlifting. Her previous attempt of 104 kg target was unsuccessful. It remains to see, and it becomes quite interesting whether she can clear this or not. With a grip on the bar, she gives a good clean. And this is a successful attempt at getting her target completed, target of 104 completed by Lisa Kamsa. The gold medal is backed by Usha of Chandigarh University, followed by silver medalist Lisa Kamsa of Yogi Vemena University, followed by Baloyalam of Gurkashi University bagging bronze medal. The bronze medal in this event was backed by Baloyalam from Guru Kashi University with a total of 179 kg in her lift. Next, we have Lisa Kamsa of Yogi Vemana University with her total of 181 kg bagging silver medal in this event of women's 59 kg category. Khelo India University Games 2024 ki swarna padak vijeta hain Usha. Chandigarh University ki swarnik safaltaye dilayi hain Usha ne Chandigarh University ko. राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप की भी पदक विजेता, एशियन चैंपियनशिप की पदक विजेता और नेशनल चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता, और अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वर्ष 2024 की स्वर्ण पदक विजेता, खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, ऊंची उड़ान ऊंचे लक्ष्य के साथ सफलताओं में परिवर्तित की है। इन तीनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक अच्छा प्रयास और उस प्रयास को सफलताओं में परिवर्तित किया और अपने उत्कृष्ट खेल कौशल के साथ सभी का मन मोह लिया। एक अच्छा प्रदर्शन यहां पर उषा के द्वारा, स्वर्णिम सफलताएं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की यह छात्रा जिन्होंने स्नैच में 82 किलो और क्लीन एंड जर्क में 103 किलो भार उठाया था, कुल इनका रहा है 185 किलो भार और पहले स्थान पर एक यादगार फोटो के साथ यहां पर। आप इस वेट लिफ्टिंग में कब से और कैसे इंटरेस्ट आया, कब से शुरू किया? एक्चुअली वेट लिफ्टिंग में इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं था, पापा स्पोर्ट डिपार्टमेंट में है तो फिर स्पोर्ट्स में पहले से हमको इंटरेस्ट है, बट स्पेसिफिक वेट लिफ्टिंग नहीं, बट वहाँ जो अवेलेबल वेट लिफ्टिंग ही था एक स्पोर्ट, और सामने टाइकवांडो क्लब था। फिर
बाद में क्या, पहले ताइक्वांडो में थी, उसके बाद छोड़ दिया, फिर से मैं क्लब में करने लगी, फिर वहाँ एक साल गैप हो गया, फिर संगे लादिन स्पोर्ट एकेडमी में क्लास सेवन से अच्छे से स्टार्ट किया मैंने वेट लिफ्टिंग। उसके बाद अभी तक मैंने अब मिला के 9 साल हो गया वेट लिफ्टिंग पे करते हुए। So although she was not actually interested in weightlifting, now she is getting medals in weightlifting. तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर यहीं पे था। तो आपको अभी कैसा लग रहा है कि you got the bronze medal in Khelo India University Games? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले बार यहाँ नेशनल हुआ था कि वो, क्योंकि हमारा इवेंट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला था, बीमार हो गया था। तो इस बार एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगा और पहले से बहुत अच्छे से मैंने खेला, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है। सो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना कोचेस लोग को थैंक यू कहना चाहता है कि हर हमेशा 24/7 वो हमारे साथ ही रहता है और हमें सपोर्ट करता है। It must be reported that although she is representing Gurukashi University, she is from Arunachal and she is making our Arunachal Pradesh proud. Thank you so much for talking with us. Thank you so much. सबसे पहले मेरा कोचेस को, मेरा कोचेस जो है मेरा भगवान का सामान है, मैं सबसे पहले कोचेस को ही थैंक यू कहना चाहूँगी। मेरा कोचेस का नाम है योगेश शर्मा और एक कोच है शेखर सर, वो अभी ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन मेरा कोच था, लेकिन प्रेजेंट कोच जो योगेश सर है वो बहुत अच्छा कोच है, बहुत टैलेंटेड कोच है। मैं अपना जितना भी मेडल का जीत शुक्रिया, मतलब सबसे क्रेडिट अपना कोच को ही देना चाहूँगी, और मेरा फैमिली जो मेरा मुझे सपोर्ट करता है, मेरा मामी पापा, मेरा भाई बहन, जितना भी मुझे सपोर्ट करता है, और अरुणाचल का वेट लिफ्टिंग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और यूनिवर्सिटी का जितना भी प्रिंसिपल और जितना मैनेजर, जितना भी मुझे सपोर्ट किया है, दिल से मेरे लिए दुआ मांगा है, ब्लेसिंग्स दिया है, सभी को थैंक यू सो मच। Again, it must be told you, I must tell you that although she is representing Yogi Vemana University right now, she is a daughter of Arunachal Pradesh and she is making Arunachal proud in many of the weightlifting games. So, Miss Lisa, आप इसके बाद आगे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप नेशनल में सिल्वर, खेलो इंडिया गेम्स नेशनल यूथ नेशनल्स में सिल्वर मेडल ला चुके हैं, तो अभी आगे आप क्या सोच रहे हैं, एनीथिंग फर्दर दैट यू आर थिंकिंग? मैं आगे के लिए बहुत सोच के रख रहा हूँ, अभी सिल्वर लाया है और आगे कंपटीशन के लिए, जैसे कि नेशनल है हमारा और बहुत सारा कंपटीशन होता है, उसमें मैं ट्राई करूँगी कि मैं गोल लाने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए और हार्डवर्क करने के लिए और आगे जाना जाने के लिए मैंने सोच के रखा है। और इससे भी मतलब बड़ा बड़ा कंपटीशन मुझे खेलने का मन है, जैसे इंटरनेशनल में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इवन ओलंपिक गेम्स, इतना तक सोचा है, लेकिन भगवान का ऊपर से पता नहीं मैं कितना तक कर पाऊँगा, लेकिन मैं खुद को बिलीव करता हूँ कि मैं उतना तक मतलब करना चाहता हूँ। Congratulations once again and we hope for your better future. Thank you. Thank you so much. He is represented in national games, senior national games and junior national games also. His first attempt with a target of 105 kg was a successful one. And this target of his of 110 ends in a failure. बी कृष्णा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, यह छात्र लक्ष्य निर्धारित किया है 111 किलो भार उठाने का। बी कृष्णा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यूथ एशियन चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता रहे हैं वर्ष 2022 में, देखना होगा, यहां पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मेडल टैली के लिए, देखना होगा क्या अपनी उन योग्यताओं को, खेल योग्यताओं को यहां पर पूर्णतया प्रदर्शित कर पाएंगे। बी कृष्णा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र, लक्ष्य निर्धारित किया है पहले प्रयास में 111 किलो भार उठाने का। स्नैच प्रतिस्पर्धा चलती हुई 73 किलो भार वर्ग की यह प्रतियोगिता चल रही है पुरुषों की, और ये दूसरे लिफ्टर हैं, बहुत ही सहजता के साथ 111 किलो भार उठा पाने में अपनी योग्यताओं को दक्ष किया है, एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन
अप ऑन द स्टेज इज वंस अगेन सीरियल नंबर 3 पुष्कर जांगीर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अटेम्प्टिंग फॉर हिज थर्ड एंड द फाइनल अटेम्प्ट विद अ टारगेट ऑफ 112 kg इन दिस सेशन ऑफ स्नैच इन द कैटेगरी ऑफ मेन 73 kg in the weightlifting event under Khelo India University Games 2023 and this was also declared a no lift by the referees Tamil Nadu's Tiruvalluvar University's student Logeshwan Shankar in his session of snatch first attempt targeting for 115 kg weightlifting in the category of men's 73 kg category and this was a good lift save it 115 kg second attempt he has participated in all India university games apart from that he has been a bronze medalist in youth Asian games representing Chandigarh University B Krishna with a target of 115 kg in his second attempt in this session of snatch in the category of men 73 with his grips on the bar Here goes his attempt and this was declared by the referees as a good lift Sant Baba Bhagat Singh Sant Baba Bhagat Singh University ke ye chhatra Punjab ke apne pehle prayas ko poorn karne ke liye yahan par agrasar hain Jaskaran Ram खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के रजत पदक विजेता ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के रजत पदक विजेता और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के कांस्य पदक विजेता भी रहे हैं 118 किलो भार उठाने की चुनौती उनके सामने देखना होगा इस लक्ष्य को किस तरीके से पूर्ण करते हैं बहुत ही सहजता के साथ इस लक्ष्य को भेद पाने में कामयाब हुए हैं 118 किलो की लिफ्ट प्रथम प्रयास में पूर्ण की है एक अच्छा प्रयास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र बी कृष्णा अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए अग्रसर 118 किलो का लक्ष्य इनके सामने देखना होगा इस लक्ष्य को किस तरीके से भेद पाते हैं सफलताओं में परिवर्तित कर पाएंगे देखना होगा पहले प्रयास में 111 किलो दूसरे प्रयास में 115 किलो का लक्ष्य पूर्ण कर चुके हैं बी कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं यूथ से एलिट की ओर आए हैं सीनियर्स में आए हैं तो काफ़ी अनुभवी हैं खेल कौशल का काफ़ी अच्छा अनुभव तकनीकी योग्यताएं बहुत उत्कृष्ट और बहुत ही सहजता के साथ अपनी उत्कृष्टता को सिद्ध करने में भी कामयाब हैं बी कृष्णा 118 किलो की लिफ्ट सफलतापूर्वक लोगेश्वर जो कि अपने पहले प्रयास में पूर्ण कर चुके हैं 115 किलो दूसरा प्रयास 119 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य इनके सामने एल शंकर बहुत ही बढ़िया गुड लिफ्ट करार दिया गया तीनों ही रेफरीज के द्वारा संत बाबा भगत सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब के ये छात्र जसकरण राम देखना होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है रजत पदक और कांस्य पदक अपने नाम किया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है देखना होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस चौथे संस्करण में अपने खेल कौशल से किस तरीके से प्रभावित करते हैं यहां पर 122 किलो का लक्ष्य बहुत ही सहजता से पूर्ण करने में भी कामयाब हुए हैं एक अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी की यही योग्यता होती है एल शंकर अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए अग्रसर 124 किलो भार उठाने का लक्ष्य उनके सामने पहले प्रयास में 115 दूसरे प्रयास में 119 सहजता और सफलता के साथ पूर्ण कर चुके हैं तीसरा और अंतिम प्रयास स्नैच का उनका लक्ष्य निर्धारित किया है अपने लिए 124 किलो की चुनौती का
प्रयास अच्छा, उसको पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इन्होंने फोर्स को जनरेट किया और बहुत ही सहजता के साथ, नहीं यहां पर नो लिफ्ट करार दिया गया है, लड़खड़ाहट, कुछ ना कुछ बारीकी तकनीकी योग्यता में उनकी कमी रही जिसको निर्णायकों ने अमान्य घोषित किया है। वेलकम बैक टू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 वेट लिफ्टिंग इवेंट हैपनिंग इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इंडोर कन्वेंशन हॉल। राइट नाउ वी आर हैविंग मेंस 73 केजी कैटेगरी वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होल्डिंग द थर्ड पोजिशन फॉलोड बाई पुष्कर जहांगीर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इन द फोर्थ पोजिशन। In the first place, as a first participant in this session of clean and jerk, we have contestant number 3, Pushkar Jangir from the University of Rajasthan, who in his first attempt will be targeting 141 kg in this session of clean and jerk. His previous best was 105 in the session of snatch, and this is declared to be good lift by two judges. Up next we have participant number 4, Jaskaran Ram from Sant Baba Bhag Singh University, Punjab, whose first attempt in the clean and jerk session will be a target of 142 kg. With his goal set on 142 kg, Jaskaran Ram is trying his luck in this session of clean and jerk, and it was declared to be a good lift by all the three referees. Up next is Bellam Gonda Krishna from Chandigarh University. With his first attempt in clean and jerk session, with a target of 143 kg in this session. His previous best was 118 kg in this snatch session. With a firm grip on the bar, he raises a good clean, and with his hard endeavor, trying to give a jerk. And with a good try to balance, it's given a good lift by all the three referees. तिरुवनम यूनिवर्सिटी के एल शंकर, जो कि अपने पहले प्रयास के लिए यहां पर अग्रसर हैं, 144 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य है। प्रथम प्रयास 119 किलो स्नैच का इनका सर्वश्रेष्ठ रहा है, 144 किलो। एक अच्छा प्रयास, बहुत ही सहजता से पूर्ण किया। ४६ किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य, अपना दूसरा प्रयास किस तरीके से पूर्ण करते हैं देखना होगा। यहां पर पुष्कर पहला प्रयास 141 किलो सहजता से पूर्ण कर पाने में कामयाब हुए हैं, दूसरे प्रयास को 146 किलो के लिए चुनौती को निर्धारित करना चाह रहे हैं। यह लक्ष्य किस तरीके से इस चुनौती को पूर्ण करते हैं पुष्कर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। नहीं, जल्दबाजी करी और वह जल्दबाजी उनके स्वयं के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई, नो लिफ्ट हुई। तीनों ही रेफरियों द्वारा इस लिफ्ट को अमान्य घोषित किया गया है। गोइंग फॉर हिज सेकेंड अटेम्प्ट with a target of 146 kg in this session of clean and jerk, men 73 kg category in the event of weightlifting being held at Rajiv Gandhi University Indoor Convention Hall, and with a smooth jerk he succeeds in his target. Once again we have Pushkar Jangir from University of Rajasthan
going for his third and last attempt with a target of 146 kg in this session of clean and jerk. His previous attempt with the same target resulted in no success, and the history repeats itself. All three judges gives it a no lift. अपने दूसरे प्रयास को पूर्ण करने के लिए यहां पर अग्रसर हैं। 147 किलो भार उठाने का लक्ष्य उन्होंने अपने लिए सुनिश्चित किया है। देखना होगा इस लक्ष्य की चुनौती को वह किस तरीके से पूर्ण करते हैं। 143 किलो अपने प्रथम प्रयास में सफलताओं में परिवर्तित करते हुए उसको उठाने में कामयाब हुए थे। अब देखना होगा दूसरा प्रयास। 147 किलो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बी कृष्णा। रैंकिंग की बात करें तो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, यानी कि अभी सुनिश्चित है कि वह पदक तालिका में अपने नाम को सुनिश्चित कर पाएंगे। 147 किलो भार उठा पाने में कामयाब भी हुए हैं। अभी एक प्रयास शेष और है उनके पास अपने अगले प्रयास की ओर, दूसरे प्रयास की ओर अग्रसर। पहले प्रयास में 145 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुए थे, दूसरे प्रयास में चुनौती निर्धारित की है उन्होंने 149 किलो भार उठाने के लिए। तो देखना होगा इस 149 किलो भार को वह किस तरीके से उठाते हैं। उनकी खेल योग्यताएं, खेल दक्षताएं प्रदर्शित होती हुई। बहुत ही बढ़िया, एक अच्छा प्रयास। नहीं, यहां पर इस प्रयास को नो लिफ्ट करार दिया गया है। प्रयास देखने में लग रहा था हमारी ओर से कि यह सही है, मगर निर्णायकों की दृष्टिकोण में यह प्रयास सफल प्रयास नहीं है। इस सीरियल नंबर 4 जसकरण राम फ्रॉम संत बाबा भगत सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब गोइंग फॉर हिज थर्ड एंड फाइनल अटेम्प्ट विद अ टारगेट ऑफ 150 kg इन दिस सेशन ऑफ क्लीन एंड जर्क। This is from Rajiv Gandhi University, Indo Convention Hall, session of clean and jerk in the category of men 73 kg weightlifting. And this was a no lift. Logeshwar Shankar from Tiruvalluvar University, Tamil Nadu, going for final and last, his third and final attempt with a target of 153 kg. In this session of clean and jerk, his previous attempt at 149 kg target was a no lift, and unfortunately, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के यह छात्र अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए अग्रसर है। 154 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। पहले प्रयास में 143 किलो, दूसरे प्रयास में 147 किलो, तीसरे और अंतिम प्रयास में 154 किलो का लक्ष्य निर्धारित किया है। और यदि इस लक्ष्य को पूर्ण करते हैं तो स्वर्णिम सफलताओं के लिए भी अग्रसर हो जाएंगे, स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर लेंगे। देखना होगा स्नैच की अगर हम बात करें तो स्नैच में 118 किलो इनका सर्वश्रेष्ठ रहा था। अब देखना होगा यहां पर प्रयास अच्छा है, पूरे दमखम के साथ पूरा जोर लगाते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट किया और पूरी तरह से बार को शोल्डर्स पर ले लिया। पहला चरण पूरा किया, दूसरा चरण जर्क का भी बाकी है। नहीं, पूर्णता करना चाहते थे, यद्यपि अगर पूर्ण करते तो शायद यहां पर एक अलग ही इनका रुझान रहता और स्वर्णिम सफलताओं के लिए अग्रसर रहते। मगर फिर भी अभी भी यह पहले नंबर पर ही हैं। Felicitating him, श्री सत्यजीत कचहरी, असिस्टेंट डायरेक्टर, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईटानगर। रजत पदक विजेता बने हैं बी कृष्णा, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं। बी कृष्णा, उनका कुल योग रहा है 265 किलो भार जो कि उन्होंने उठाया है। स्नैच की बात करें तो 118 किलो और क्लीन एंजर की बात करें तो
47 किलो, बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वर्ष 2024 के स्वर्ण पदक विजेता 73 किलो भार वर्ग के जसकरण राम, जो कि विजयी हुए हैं, स्वर्ण पदक विजेता बने हैं 271 किलो भार उठाकर, यहां पर उन्होंने अपनी स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं। संत बाबा भगत सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब के जसकरण राम, जिन्होंने इस मुकाबले में स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं, और मुख्य अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। The souvenirs being distributed amongst the all three winners by DSO Department of Sports, Government of Arunachal Pradesh, Shri Tarak Dotangji. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको गोल्ड मिला है बाकी सबको बीट करते हुए? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे ये प्रैक्टिस की है और गोल्ड आया, अच्छी बात। तो आगे आप मतलब क्या सोच रहे हैं, अभी गोल्ड मिल गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? नेक्स्ट नेशनल सीनियर नेशनल मेडल्स के बारे में सोचेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे क्या बनता है। गेम के दौरान आपको प्रेशर ज़रूर रहा होगा जीतने का, तो उस प्रेशर को आप किस तरह से हैंडल कर रहे थे, आपका क्या रूटीन है? थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता है, लेकिन पहले पहले ही होता है, जब वार्म अप स्टार्ट हो जाता है तभी प्रेशर नहीं महसूस होता, तभी बस फोकस उन्हें वार्म अप पर होता है और लिफ्ट पर होता है कैसे जाना है। अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर विनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आई विल आस्क, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड, बाय बेटर सेल्फ, माय इंप्रूव माय परफॉर्मेंस एंड this is not end, this so is the beginning. Obviously you felt nervous when like it will be very nervous for you also, how do you maintain that the nervousness and how do you like kaise aap shuru karte, how to like you, how do you manage your nervousness if you are going for a game, then how do you manage it? I don't know. More stage, you know, performance and experience will turn for me. So is there anyone in particular that you would like to thank? What? Is there anyone in particular that you would like to thank? For my coaches and my moms and dad, kindly very thankable for him. So sabse pehle obviously I would ask ki aapko kaisa mehsoos ho raha hai ye jeet ke? Mehsoos to itna khushi to nahi hai ma'am, par silver medal ke liye khushi hai kyunki gold medal haath mein tak gir gaya, par socha nahi tha girega bol ke, पर खुशी तो है, जो भी मिला उससे खुश है मैम। अगला आप क्या सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या करना है, कहाँ पार्टिसिपेट करना है? इसके बाद तो मैं अभी पटियाला में ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैम, NCOA में, तो उधर जो भी इंटरनेशनल का ट्रायल आएगा बस उसके लिए प्रिपरेशन है अभी। तो किस तरह का प्रिपरेशन आप करते हैं वैसे, आपका क्या होता है डाइट और आपका रेगुलर वर्कआउट्स क्या होता है? अभी अपना इंडिया में NCOA तीन जगह है मैम, वो सबका हेड है पटियाला, तो मैं अभी पटियाला में ही हूँ, पटियाला का जो भी कोचेस है बहुत सपोर्ट किया, और मैं रिसेंटली अभी इंजोर से आया था बैक पेन से, तो पटियाला का सब कोचेस ने और पटियाला का फिजियोथेरेपिस्ट सर ने बहुत सपोर्ट किया मेरे लिए, और उसके लिए मेरा पेन कम हुआ और मैं कंपटीशन में अभी कमबैक भी कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस, कांग्रेचुलेशंस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। With that, we have come to an end to today's weightlifting competition of Khelo India University Games 2023. Until we meet again, stay with us at DD Arun Prabha.